घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? बोर्ड ने बैन किस फेमस प्रोड्यूसर के बेटे हैं राजीव राय? क्या है इस बार राजीव के डायरेक्शन में खास? ये गांव नहीं शहर है और यहां दरिंदों को शेर की तरह बहादुरी से नहीं शिकारी की तरह जाल डाल कर मारा जाता है। फिल्म त्रिदेव का ये डायलॉग एक लंबे समय तक लोगों की जुबान पर था। साल 1989 में आई ये आइकॉनिक फिल्म काफी टाइम तक चर्चा में थी। फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, माधुरी दीक्षित, संगीता बिलजानी और सोनम शामिल थे। फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था, लेकिन फिल्म की स्टोरी के साथ साथ लोगों को इसकी फिल्म के गाने भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कब क्या हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। दोस्तों, जब एक फिल्म बनाती है तो फिल्म को कई स्टेप से गुजरना पड़ता है, कभी सेंसर बोर्ड की मार तो कभी कॉन्ट्रोवर्सीज की भुचार। राजीव राय की डायरेक्टेड इस फिल्म को भी सेंसर बोर्ड का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, त्रिदेव जो कि साल 1987 में रिलीज होने वाली थी वो 2 साल डिले हुई, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर आरोप लगाया था कि इस फिल्म के तीनों लीड एक्टर्स देश के कानून को तोड़कर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। जिसके बाद राजीव राय ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में फाइल केस किया था। कई महीनों तक कोर्ट में केस चलने के बाद फैसला राजीव राय के हक में आया और फिल्म को रिलीज करने की परमिशन दे दी गई। फिल्म का एक गाना तिरछी टोपी वाले भी काफी चर्चा में रहा। फिल्म के इस गाने पर पुलिस वालों ने काफी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये गाना उनकी टोपी की बेइज्जती करता है। फिल्म त्रिदेव की डायरेक्टर राजीव राय का पूरा नाम राजीव गुलशन राय है। राजीव राय बॉलीवुड फेमस प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे हैं। राजीव ने अपने करियर के तमाम फिल्में अपने पिता के डायरेक्शन में बनाई थी। गुलशन जी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत बतौर डिस्ट्रीब्यूटर की थी। वही मल्टी स्टारर फिल्मों में लिए जाने जाते थे। गुलशन राय की पहली फिल्म 1970 में आई थी जिसका नाम था जॉनी मेरा नाम। ये फिल्म मूर्ति फिल्म बैनर्स में बनाई गई थी। फिल्म में देवानंद, हेमा मालिनी और प्राण जैसे कई सितारे शामिल थे। गुलशन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। फिर आई 1973 में फिल्म जोशीले। ये फिल्म में देवानंद और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म थी। गुलशन राय ने फेमस फिल्म दीवार को भी प्रोड्यूस किया था, जो भाइयों के टकरार की फिल्म थी, जिसका फेमस डायलॉग था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, कई फेमस है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को देखा गया था। इस फिल्म में निरूपा रॉय ने माँ का रोल प्ले किया था। फिर आई फिल्म ड्रीम गर्ल, जिसने हेमा मालिनी जी को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया और आज भी वो वही ड्रीम गर्ल के हिसाब से जाने जाते हैं। हेमा जी का ही चेहरा सबसे पहले दिमाग में आता है जब हम सोचते हैं द वर्ड ड्रीम गर्ल। फिल्म में हमें हेमा जी के रियल लाइफ हस्बैंड धर्मेंद्र भी देखने को मिलते हैं। गुलशन राय जी को बॉलीवुड में कई सितारों को जमीन पर उतारने के लिए जाना जाता है, क्योंकि उनकी लगभग हर फिल्म मल्टी स्टारर होती है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते डायरेक्टर राजीव राय ने लगभग अपनी हर फिल्म को एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाया था। बात करें तो राजीव राय की पहली फिल्म 1985 में आई थी जिसका नाम था युद्ध, और उनकी आखिरी फिल्म 2004 में आई थी जिसका नाम था असंभव, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल और राजीव जी के खास दोस्त नसीरुद्दीन शाह भी शामिल थे। राजीव राय फिल्म त्रिदेव 2 से फिर एक बार अपने करियर को शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की रीमेक नहीं होगी, क्योंकि उन्हें रीमेक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, और ये सीक्वल होगी। फिल्म की कहानी पूरी तरह से नहीं होगी, फिल्म की कहानी ऐसी होगी जो त्रिदेव की तरह ही लोगों के मन में छाप जाएगी। क्या राजीव हो पाएंगे अपने इस मकसद में कामयाब, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.